नमस्कार, मैं आशीष कुमार, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम सच के साथ एक कदम। आज नगला राठौर के पास और निलोई के बीच में एक घटना हुई है, जिसमें एक ई रिक्शा चलाने वाले कुश, जिसकी उम्र लगभग 17 साल होगी, उसके साथ घटना हो चुकी है। उसका मर्डर हुआ है या अपहरण किया गया है, ये तो पुलिस ही खुलासा कर सकती है। आइए दिखाते हैं। बैटरी रिक्शा चालक 16 वर्षीय किशोर का शव नगला राठौर गांव के बाहर कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उसका बैटरी रिक्शा निलोई गांव के बाहर एक तालाब में मिला, जिस आधार पर की गई खोजबीन के दौरान किशोर का शव 500 मीटर दूर एक कुएं में पाया गया। थाना कोतवाली जसवंत नगर क्षेत्र के ग्राम निलोई से नगला राठौर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित तालाब ककरैया में अलग सुबह एक बैटरी रिक्शा पड़ा देख लोग आशंकित हो गए। शीघ्र ही पुलिस को सूचना दी गई और बैटरी रिक्शा को JCB के जरिए बाहर निकलवाया गया। रिक्शे से बैटरी गायब थी। इधर लोहामंडी मोहल्ले के अजय कुमार बौथम अपने बैटरी रिक्शा चालक 16 वर्षीय पुत्र कुश को रात भर से ढूंढ रहे थे। पुलिस को भी सूचना दे रखी थी, जैसे कि उन्हें एक बैटरी रिक्शा निलोई गांव के पास तालाब में पड़ा होने की जानकारी मिली। वह मौके पर पहुंचे और अपना बैटरी रिक्शा पहचान लिया। तालाब में खोजबीन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। तब तक ग्रामीणों ने पुलिस के साथ आसपास के खेतों में खोजबीन शुरू कर दी। तालाब से लगभग 500 मीटर की दूरी पर भट्टे की ईंट पथाई वाले स्थान पर कुश की चप्पलें मिलने के बाद नगला राठौर स्थित सरकारी ट्यूबवेल से कुछ दूर पहले एक निष्प्रयोज्य कुएं में खोजबीन के दौरान कुश का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर नवरत्न गौतम, उप निरीक्षक नितेंद्र वशिष्ठ सहित पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित किया और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। संदिग्धावस्था में मिले मृतक किशोर के गले में अंगोछा बंधा हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंचे SSP डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस को घटना के शीघ्र खुलासे के आदेश दिए हैं। SP सिटी प्रशांत कुमार ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नगर के लोहामंडी मोहल्ला निवासी मृत किशोर 3 भाइयों में छोटा जुड़वा भाई था। पिता बाजार में दुकानों पर पल्लेदारी का काम करते हैं, जबकि उसकी माँ घरों में खाना बनाने का काम करती है। पल्लेदारी के काम से फ्री होने पर अजय कुमार बौथम और उनके ये तीनों बेटे रिक्शा चलाते हैं। मृतक किशोर के पिता ने बताया कि बीती शाम कुश अपने बड़े भाई को दवा दिलाने के लिए लुधपुरा के एक चिकित्सक के यहाँ गया था, जहाँ से किसी सवारी को लेकर चला गया था। काफी खोजबीन के बाद सुबह उसका शव नगला राठौर स्थित कुएं से बरामद होने पर उन्होंने अपने 16 वर्षीय पुत्र कुश के रूप में शिनाख्त की है। पुलिस विस्तृत जांच पड़ताल में जुट गई है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।